Sale. संस्था को चलाने चलाने के लिए हमने कुछ बच्चों को पद प्रतिष्ठा से सम्मानित कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे लगन के साथ अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और सबको निगरानी को देखते हुए लोग सबको एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। तो संस्था के अध्यक्ष सुनील कुमार और ईमानदारी और कर्मठता से एक ऐसा संस्था का निर्माण किया जो कि सबके लिए काफी बेहतर है। मैं बताना चाहूंगा और मैं बात कर रहा हूं मिस्टर तिवारी जी का, जिन्होंने सर्व समाज महिला उत्थान संस्थान के द्वारा दूर दूर के बच्चियों की प्रतिभा को निखारने का काम किया। हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं कि उन्होंने जो अपने जज्बे को जिस तरह एक प्लेटफॉर्म दिया और इस सारी बच्चियों को इतना सुंदर ढंग से जो इन्होंने प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया, वाकई तरीके काबिल है। और हमें विश्वास है कि इस खरौनी गांव में भी इन सारी बच्चियों को आप उसी तरह का प्रतिभावान बनाएंगे जैसे कि आपने घर में बच्चों को दिया है। वाकई सब अपना, मैं तो हर समय पे था, सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेके और खाने पकाने की विधि जब बताई जा रही थी उस समय भी हर वक्त इन्होंने हमें बराबर बुलाया है। और जब जब मैं गया हूँ काफी गदगद हुआ हूँ इनके स्नेह और इनके प्यार का, मैं कायम हूँ। सेनापति बाबा का भी आशीर्वाद हमेशा मिलते रहा है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी न किसी को प्रेरणा स्रोत बनाना होगा। यदि आप प्रेरणा स्रोत बनाते हैं तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ेंगे। और खरौनी गाँव में इतने सारे बच्चों को देखकर काफी मन प्रफुल्लित हुआ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी जितने भी नौजवान युवा है या युवतियां है सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको आगे बढ़कर एक इतिहास कायम करना चाहिए, क्योंकि जब जब युवा जागे थे तब तब एक नया इतिहास बना है और युवाओं को चलना होगा। काफी सुंदर ये गांव है, मैं आया काफी अच्छा लगा।
और यहाँ के लोगों से मिलके मुझे इतना अपने मैं अपने प्रेम को उद्गार नहीं कर सकता, इतना अच्छा लगा आप लोग का प्रेम पाकर, धन्य हो गया मैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप बचिया, लोग कहते हैं कि बचिया नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि बेटिया वो कर सकती है जो कोई सोचा भी नहीं होगा, बेटिया तो ईश्वर की प्रदान है। तो आप तमाम बेटियों को मैं चाहूंगा कि इन बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप लोगों को होगा कि हम किसी से कम नहीं है, हम वो कर सकते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और इसको श्रेय देने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए उमेश तिवारी जी काफी तन मन धन से लगे हुए रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। इनकी इच्छा है और दृढ़ शक्ति भी है, दृढ़ संकल्प भी है, साथ में संरक्षक के रूप में सेनापति बाबा हमेशा मौजूद रहते हैं। इन लोगों का एक धारणा है और एक सुंदर मनोवृत्ति कही जा सकती है, इन्होंने संकल्प लिया है कि मुझे भोजपुर जिला के तमाम गाँव गाँव में जाके हर बच्चियों को, हर जहां तक कोई शिक्षा नहीं पहुंच पाती है वो शिक्षा को देना है और बच्चियों को आगे बढ़ाना है। हमारी बच्चियां कहेगी कि हम किसी से कम नहीं। धन्यवाद। और मैं हर सभा में एक बात जरूर मैं बोलता हूं जो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि संभले को अगर संभालोगे तो नाथ बड़ाई क्या होगा, तारीफ है उसे बचाने में जो फंसे हुए में। इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद आप लोगों को, लेकिन एक कष्ट मैं आपको देना चाहूंगा, आप लोग खड़े हो जाइए और खड़े होकर बोलिए जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। हम रिक्वेस्ट करब हरिहरपुर पंचायत के पूर्व सरपंच राजकुमार सिंह जी से कि दो शब्द बच्चों के स्वाचन दें। अध्यक्ष जी, हमारे धमोल से आकर मुख्य अतिथि तिवारी जी, सेनापति तिवारी जी, मैं आज इस खरौनी गांव की बच्चियों के सामने कुछ कहने का अवसर प्रदान हुआ, जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस चीज को हमारे तिवारी जी मुख्य अतिथि जी सरह जमीन पर लाने का कार्य जो कर रहे हैं मैं इनका धन्यवाद दे देता हूं। और बच्चियों को मैं कहूंगा कि तहे दिल से अपना कार्य कुशल ढंग से करें। धन्यवाद। हरि बाबा जो है हम लोग के सबसे बढ़िया यहाँ का योग में रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष है उमेश तिवारी जी है, ये सब तो पहले से बाबा दादा के रिश्ता से भी हम लगाव में है। जब मैं दीदी संबंध में कुछ बात होता तो और बात बढ़िया होती, लेकिन इन्होंने जो भी कहे अच्छा लगा और हमारे बच्चियों को सबको इन बात को सुन करके जो कान में रखा है उसको अमल करके आगे बढ़ने का तरीका अपनाएंगे। धन्यवाद। तिवारी जी और जितने लोग आई बा सब लोग के हमारे तरफ से अभिनंदन बा स्वागत बा, और खास करके बॉबी लोग के देखे तो मन में इतना प्रसन्नता बा एक हमारा मन में लालसा भी रहेगा कि सबसे ज़्यादा काहे से कि हमारे संस्कृति में बात कहल गई बा, शास्त्र में बात कहल गई इधर तो नारी तू जनते रमनते सत्र देवता, जहाँ नारी के सम्मान है उधर सब सब चीज भरल रहेगा। तो जो तिवारी जी के मिशन बा उमेश तिवारी जी के ये मिशन बा कि तत्व नारी पूजनते रमनते तत्व देवता, यही फॉर्मूला पर यहाँ के चलत रहा आ जौना के परिणाम बा कि करीब साल भर से हमारे गाँव में चलत रहा। तो लड़की ओजा के कुछ कम हो गई है, ज़्यादा लड़की के एजा के संख्या ज़्यादा हो, तो हम विचार करी तिवारी से कहनी कि काहे ना कि खरौनी में स्कूल खोल जाओ, पूछली कि लड़की के कुछ सिखलाई हो जैसे सिलाई के पेंटिंग के खेल के ये सब जो हमनी के गतिविधि बा चलाओ, तनि मेन लक्ष्य बा कि तनि के विकास हो, तनि में जब भीतर उठा बा तो हट हो बोले के बतियावे के सबके से संघर्ष हो ताकि जैसे प्रधानमंत्री के भी योजना बा, नीतीश कुमार जी के भी हमनी के सीएम के भी योजना बा कि लड़की जब तक कहे से कि आधा आबादी देश के लड़की औरत है और जब तक लड़किन के आगा ना बढ़ाई देश कभी आगा ना बढ़े, विश्व में जितना देश विकासशील बड़े उनमें आधा आबादी सबसे आगे
आज भी प्रधानमंत्री अभी लाल किला पर 26 तारीख के झंडा फहरा रहे हैं रिप्रेजेंट करी है जिंदगी में कौन सफर पार कर ये तीन चीज के भूल है रोमा तो हमारा तो खास करके तहनिए से कहे कि वैसे कि तहनिए प्रदेश तहनी के जनपा के कायम रखियो और कहे कि हमारे मानी के पूछना अब हम रिक्वेस्ट करब हम के जानकारी ना रहा पंकज सर वाली आके दिन सब बोल सभा के आयोजन करता हूँ सभापति जी हमारे तिवारी जी सेनापति तिवारी बाबा जितने भी गणमान्य पुरुष जुटे सबका एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच पर जिसका इरादा नेक हो लक्ष्य पावन हो समित इरादा को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है उस मंच पर हम जैसे साधारण मनुष्य को आमंत्रित किए हैं इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा इस लायक मुझे समझा गया इस लायक मैं वास्तव में हूँ और जहाँ तक बात है नारी सशक्तिकरण की तो नारी सशक्तिकरण का इरादा हमारे यहाँ प्राचीन काल से रहा है जैसा कि तिवारी जी बोले भी हैं कि जिस देश में नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है कि मनुस्मृति में हमारी स्मृतिकारों में मनुस्मृति में साफ कहा गया है मनु जी के द्वारा बात कही गई है कि जिस घर में जिस समाज में और जिस देश में नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं तो देवता निवास करने का मतलब ये नहीं कि अर्थात ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी हमारे यहाँ खड़ा हो जाएंगे इसका मतलब है इसका तात्पर्य है कि वहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ सुख समृद्धि शांति और विकास अपने आप वहाँ कायम हो जाता है इसका लक्ष्य होता है तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री और नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री ऑल ओवर यूं कहें कि सारे देश के स्तर पर एक अभियान का जो सपना था कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ और इसी कड़ी को आगे लेकर बढ़ते हुए गांव-गांव में इस सिस्टम को विकेंद्रित करके छोटी छोटी इकाई के रूप में गांव-गांव में जो संस्था का जो आयोजन किया गया है वो काबिले तारीफ है और इस दिशा में जो लोग भी आगे आकर इस कार्य को अंजाम देते हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और आप बहनों से ये मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार नारी की सशक्तता में ही नहीं है और सशक्तता के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान का एक पार्ट है जिस पार्ट पर हम लोग कार्यरत हो रहे हैं खासकर के गणमान्य महानुभावों के प्रयास से इस प्रयास को साबित आप लोगों को अपने कर्मों से करना है जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर अपने परफॉर्मेंस को अच्छा निभा कर इसकी पूर्ति करें ताकि हमारा देश आने वाले दिनों में विकासशील से विकसित की श्रेणी में जाए और इसी के साथ में अपने बारे में जानना चाहूँगा।